नमस्कार, मेरा नाम है मोनी तुवान, प्रज्ञा विडुअल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए फिर से दोबारा एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू गणित सेक्शन से प्रश्न क्रमांक 71 से लेकर प्रश्न क्रमांक 75 तक आप लोग को क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं समझाते भी चलूंगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से दिखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस टू गणित सेक्शन से प्रश्न क्रमांक 71 से लेकर प्रश्न क्रमांक 75 तक आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताते जाऊंगा और साथ में आप लोग को समझाते चलूंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 71। 750 ग्राम का मान किलोग्राम में होगा। ए 0.75, बी 7.5, सी 75 और डी 7500। इसका सही उत्तर है 0.75। अब इसमें क्या करना है, 750 ग्राम का मान किलोग्राम में आपको बदलना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को हल सहित आप लोग को दिखाता हूँ। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 71। 750 ग्राम का मान किलोग्राम में होगा। उत्तर है, एक किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अब इसको बटा में कर देते हैं, 750 बटा 1000। अब इसको काट देते हैं, ठीक है, 0.75 उत्तर आ गया। तो इस तरह से बनेगा, बस आपको ग्राम में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदल देना है। उसके बाद इस आपको भाग देना है भी बटा करके, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 72। एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है। बताओ ऐसे 9 ड्रमों में कितने लीटर पानी आएगा। ए 250, बी 260, सी 220, डी 225। इसका सही उत्तर है 225। अब ये क्यों आया है, तो चलिए हम लोग उदाहरण को देख के समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 72। एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, बताओ ऐसे 9 ड्रमों में कितने लीटर पानी आएगा। तो एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, तो 9 ड्रम में बराबर 25 × 9। इसको क्या करेंगे, 25 को 9 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये 225 उत्तर आएगा, ठीक है। ये आपका 9 का क्या है, ड्रम की संख्या है, 9 ड्रम और 25, तो एक ड्रम 25 लीटर निकाल लिए हैं यहाँ पर। हाँ, 25 लीटर रहता है एक ड्रम में, 25 को 9 से गुणा करके आपको 225 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 73। एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो आंगन की लंबाई क्या होगी। ए 6 मीटर, बी 8 मीटर, सी 4 मीटर, डी 9 मीटर। इसका सही उत्तर है ए 6 मीटर। तो अब 6 मीटर कैसे है, तो चलिए इसका हल आप लोग को दिखाता हूँ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 73। तो यहाँ पर लिखा है एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, आंगन की लंबाई क्या होगी। आपको तो पता होगा एक आयताकार आंगन का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, ठीक है। इसका सूत्र है, और क्षेत्रफल बराबर 48 वर्ग मीटर, इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 48। तो अपने को लंबाई चौड़ाई चौड़ाई का निकालना है, और लंबाई और चौड़ाई में आपका प्रश्न दिया हुआ है चौड़ाई 8 मीटर, तो 8 लिख दिए। अब इसको 75 कर देते हैं, लंबाई बराबर 48/8, तो 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से भाग कर देते हैं, तो आपके सामने 6 मीटर आता है, 6 × 48 = 48, ठीक है। लंबाई बराबर, ये लंबाई 4 हो गया इसका, ठीक है।
अगर जांच करोगे तो 6 × 8 करके तो 6 × 8 = 48 दिखता आएगा। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 74। 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिणाम होगा ए 16, बी 32, सी 20, डी 64। इसका सही उत्तर है 16। अब 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिणाम होगा तो आपको वर्ग का सूत्र तो पता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका भी हल आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे हल किए हैं हमने। प्रश्न क्रमांक 74। 4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिणाम होगा, उत्तर है आपको वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर ज्ञात करना है, जाहिर बात है ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। 4 × 2 बराबर 4 × 4 416 है। बस बहुत सिंपल प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 75। 8 और 12 का महत्तर समापवर्तक होगा ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही उत्तर है 4। अब 4 कैसे आया तो आपको पता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो 8 और 12 का महत्तर समापवर्तक, ठीक है। ये जो अलग अलग करते हैं इसको बोलते हैं महत्तर समापवर्तक, और लघुत्तम क्या है, एक साथ किया जाता है, ठीक है। अब उसको 2 से निकाल दिए, 2 से जा रहा है, फिर यहाँ पर 8 बराबर 2 × 2 × 2 × 2, तो फिर 12 बराबर 2 × 2 × 2 × 3, इसको आप इसके सामने जोड़ी मिला दिए, यहाँ पर जोड़ी मिला जाता है महत्तर समापवर्तक में, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ी मिला दिए 2 2 का, तो 2 × 2 × 2 = 4, तो महत्तर समापवर्तक क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है। आप लोग का एकलव्य आवासीय विद्यालय का गणित भाग से यही समाप्त होता है। बहुत ही सरल प्रश्न आए हुए हैं, आप लोग बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, मैंने सारे प्रश्न का मैंने समझा दिए हैं। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रेस 2 प्रश्न पत्र गणित भाग से प्रश्न क्रमांक 71 से लेकर प्रश्न क्रमांक 75 तक मैंने बता दिए हैं, और अगले वीडियो में आप लोग को पर्यावरण अध्ययन से भी बताऊंगा, उसमें से आप लोग को कुल 10 प्रश्न बताऊंगा अगले वीडियो में। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक करें, और इस तरह का मैं नया नया वीडियो लेकर आते रहूंगा। जाने के जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।